मैं राजबहादुर यादव एसएलबी परिवार में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, तेजी के साथ जुड़ जाइए, तेजी के साथ जुड़ जाइए। आज का जो टॉपिक होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो टॉपिक है आपका अव्यय। टॉपिक कौन सा है? अव्यय। अब यहां जरा ध्यान से देखें, क्या इस शब्द को तोड़ा जा सकता है? मेरे दोस्त, इस शब्द को अवश्य तोड़ा जा सकता है। इसे अगर हम दो भागों में तोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? आधन व्यय मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? आधन व्यय मिलेगा। अब यहां व्यय का अर्थ क्या होता है? अब अगला प्रश्न आपका आता है, व्यय का अर्थ क्या होता है? तो अगर हम व्यय के अर्थ की बात करते हैं तो व्यय का अर्थ होता है खर्च। इस खर्च को हम और किस नाम से जानते हैं, क्या कह सकते हैं? तो मेरे दोस्त आप बताएंगे, इसे परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? परिवर्तन कहेंगे। और आ का अर्थ क्या होता है? तो आपको पता है मेरे दोस्त, नहीं होता है। तो जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो अव्यय की परिभाषा इसी शब्द को तोड़ने से भी आपको मिल सकती है। तो भैया यहां नोट कर लीजिएगा, अव्यय की परिभाषा, अव्यय की परिभाषा, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक आदि व्याकरणिक आदि व्याकरणिक कोटियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अव्यय कहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे और तथा किंतु की अथवा लेकिन आदि। ये सारे के सारे शब्द आपके क्या हैं मेरे बच्चे? ये आप बताएंगे अव्यय हैं। और पे, इस पे ना तो लिंग का प्रभाव होगा, ना वचन का, ना ही कारक का। तो ना और तथा किंतु की अथवा लेकिन, इस पर किसी का भी प्रभाव नहीं होगा, ना ही तो लिंग का, ना ही वचन का, ना ही कारक का। अगले पॉइंट पे लिखेंगे, अगली हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे, अव्यय के भेद, अव्यय के भेद। तो मेरे दोस्त यहां जरा ध्यान दीजिएगा, अव्यय की जब हम भेद की बात करते हैं तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो आप बताएंगे अव्यय के चार भेद। कितने भेद हैं मेरे दोस्त? तो आप बताएंगे अव्यय के चार भेद होते हैं। अब दूसरा प्रश्न यहां आता है, क्या अव्यय को अविकारी शब्द कहा जाता है? तो इसे आप और कौन सा शब्द कह सकते हैं भैया? अविकारी शब्द कह सकते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो चार भेद कौन कौन से हैं मेरे दोस्त? तो सबसे पहले नंबर एक हेडिंग बनाएंगे आप, क्रिया विशेषण। कौन सा भेद? क्रिया विशेषण। नंबर दो, संबंध बोधक। नंबर तीन, समुच्चय बोधक। और नंबर चार, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ये अव्यय के कितने भेद मिल गए भाई आपको? चार भेद मिल गए।
कितने भेद? चार भेद मिल गए। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्रिया विशेषण। क्या शुरू करेंगे मेरे बच्चे? क्रिया विशेषण शुरू करेंगे। हेडिंग बनाएंगे आप क्रिया विशेषण। अब जैसा कि यहां आपको पहले से पता है विशेषण का अर्थ क्या होता है मेरे बच्चे? विशेषता। क्या होता है विशेषण की अर्थ क्या होता है? विशेषता होता है। तो यहां किसकी विशेषता की बात कही जा रही है? तो क्रिया की विशेषता। किसकी विशेषता? क्रिया की विशेषता। परिभाषा में नोट करेंगे, जिस शब्द के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाए, क्रिया की विशेषता बताई जाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बताई जाए मेरे बच्चे? क्रिया की विशेषता बताई जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे गौरव यहां रहता है, जैसे गौरव यहां रहता है। अब भैया यहां प्रश्न आता है गौरव की विशेषता बताई जा रही है या रहने की? तो यहां रहने की विशेषता बताई जा रही है। रहना क्या है? क्रिया है। कहां रह रहा भाई? तो आपका प्रश्न आया यहां रह रहा है, तो यहां शब्द क्या हो जाएगा आपका? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग, क्रिया विशेषण के भेद। किसके भेद की बात कर रहा है भाई? क्रिया विशेषण के भेद। जब हम क्रिया विशेषण की भेद की बात करते हैं तो यहां पे आपको चार चीजें समझने की जरूरत है। गीता प्रतिदिन पढ़ती है, गीता प्रतिदिन पढ़ती है, मीनाक्षी यहां रहती है, मीनाक्षी यहां रहती है, हवा धीरे धीरे चल रही है, हवा धीरे धीरे चल रही है, नल से पानी बूंद बूंद टपक रहा है, नल से पानी बूंद बूंद टपक रहा है। अब यहां मेरे बच्चों ध्यान से देखो, पहले वाक्य में क्रिया क्या है? पढ़ना है। क्या है? पढ़ना है। तो कब पढ़ रही है? तो प्रतिदिन पढ़ रही है भैया। तो प्रतिदिन शब्द आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। रहती कहाँ है? यहां रहती है। तो यहां पे यहां शब्द आपका
क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण है। चलना क्रिया है, कैसे चल रही है भैया, तो धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण है। टपकना क्या है, क्रिया है, कैसे टपक रहा है, तो बूंद बूंद टपक रहा है, तो आपका क्या है, क्रिया विशेषण है मेरे बच्चे। तो यहां तक में हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पढ़ना, पढ़ती क्या है, क्रिया है, तो प्रतिदिन क्या हो गया आपको, क्रिया विशेषण मिल गया। क्या मिल गया मेरे बच्चे, क्रिया विशेषण मिल गया। यहां क्या है आपका, क्रिया विशेषण है। यहां क्या है, क्रिया विशेषण। धीरे धीरे भी आपका क्या है भैया, क्रिया विशेषण है। और बूंद बूंद ये भी क्या है आपका, क्रिया विशेषण है। ये चार वाक्य दिया था हमने, हम उम्मीद करेंगे हमारे चारों वाक्य बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब यहां देखो प्रतिदिन की बात कर रहा है, तो प्रतिदिन क्या होता है, समय होता है, किसका बोध कराता है, तो मेरे प्यारे बच्चे समय का बोध कराता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कालवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, इसे आप बताएंगे, इसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा, कालवाचक क्रिया विशेषण। मीनाक्षी यहां रहती है, यहां रहने का बोध हो रहा है, स्थान की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा विशेषण मेरे बच्चे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। धीरे धीरे क्या है भैया, रीति या परंपरा है, इसे हम क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण, रीतिवाचक। नल से पानी बूंद बूंद टपक रहा है, कैसे टपक रहा है, बूंद बूंद, तो बूंद बूंद क्या है, परिमाण है, इसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर आपसे पूछा जाएगा क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो हमारे बच्चों का आंसर होगा क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। एक कालवाचक है, दूसरा स्थानवाचक है, तीसरा रीतिवाचक है, और चौथा क्या है, परिमाणवाचक है। और चारों के एग्जाम्पल उसी के जस्ट सामने हमने लिखा दिया। जहां किसकी बोध, किसका बोध होगा भाई, समय का बोध होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कालवाचक। जहां स्थान का बोध होगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्थानवाचक। जहां रीति या परंपरा का बोध होगा, उसे रीतिवाचक। जहां परिमाण या नापतौल या मात्रा का बोध होता है, वहां कौन सा भी क्रिया विशेषण होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो ये चार भेद थे, चारों भेद हमने आपको करा दिया। दूसरे पॉइंट पे आपने लिखा था संबंध बोधक। क्या लिखा है भाई, संबंध बोधक लिखा है। तो चलो भैया संबंध बोधक पहले देख लेते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाओ, संबंध बोधक। संबंध बोधक की अगर हम परिभाषा की बात करें, तो संबंध बोधक की परिभाषा क्या होगी, तो जल्दी से हमारे बच्चे कमेंट करके बताएं। जिस अविकारी शब्द से, जिस अविकारी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरों शब्दों के साथ, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त आपको ये समझ में आ गया होगा, जिस अविकारी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है या जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे
मैं गोपाल के बिना, नहीं जाऊंगा। यहां किसकी बात कर रही भाई? गोपाल की बात कर रहा है। किसके बिना? के बिना, यही जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, मुझे मोबाइल या घड़ी चाहिए, मुझे मोबाइल या घड़ी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द के द्वारा जोड़ा जा रहा है या के भैया, यहाँ पे क्या है? बिना के द्वारा जोड़ा गया है वाक्य को, इसी को हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं मेरे बच्चे। तो ये संबंध बोधक अव्यय भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट पे आ जाओ भाई। अगला, समुच्चय बोधक अव्यय। अगली हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक की जहां बात करते हैं भैया, तो यहां क्या होता है? दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, जैसे कि अगर बात करें हम भैया, जैसे राम और श्याम जाते हैं, अब यहां पे जरा ध्यान से देखो मेरे बच्चे, किसकी बात कर रहा है? राम और श्याम जाते हैं, और शब्द किसको जोड़ रहा है? राम और श्याम को जोड़ रहा है। तो यही और शब्द आपका क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। यहां दो शब्दों को जोड़ा गया है। दूसरा एक एग्जाम्पल देखो, मालिक ने कहा कि, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, ये मेरे प्यारे बच्चे, अब यहां जरा ध्यान से देख कर बताओ, अब किसकी बात कर रहा है? एक वाक्य मालिक ने कहा, दूसरा क्या है? कल छुट्टी रहेगी। दोनों को जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया गया? की के द्वारा किया गया। तो यहां पे एक की क्या है आपका? समुच्चय बोधक अव्यय है। यहाँ पे और क्या है आपका? समुच्चय बोधक अव्यय है। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो अगला एक पॉइंट बचा है शेष, उसको भी देख लेते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक व्यय। विस्मयाद बोधक की बात जब हम करते हैं, अगर इसी विस्मयाद शब्द को तोड़ दें, हमें दो शब्द मिल जाएगा। एक शब्द मिल जाएगा विस्मय, और दूसरा क्या मिल जाएगा? आदि मिल जाएगा। इस विस्मय के अंतर्गत क्या आता है? आप बताएंगे, हर्ष आता है, और क्या आता है? शोक आता है, और क्या आता है?
घृणा आता है, और क्या आता है, लज्जा आती है, और क्या आता है, ग्लानि आता है, और क्या आता है, तो आश्चर्य आता है। अगर ये भाव प्रकट हो रहे हैं वाक्य में तो वहां पे कौन सा अव्यय का प्रयोग किया गया है, तो याद रखिएगा विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग किया रहेगा। किसका प्रयोग रहेगा भाई, विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग होगा। तो परिभाषा में लिख लो भैया, जिन शब्दों के द्वारा हर्ष शोक घृणा लज्जा, हर्ष शोक घृणा लज्जा ग्लानि आदि भाव प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं, जैसे हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। यहां पे किसको संबोधित किया गया भाई, ईश्वर को संबोधित किया गया, किसको संबोधित किया गया है भाई, ईश्वर को। और यहां पे विस्मय सूचक चिन्ह लगा है, इसे हम क्या कहेंगे, हे ईश्वर, ये आपका विस्मयादिबोधक अव्यय है। जैसे कहा जाए, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब यहां देखो भैया, किसकी बात कर रहा है, वाह की बात कर रहा है, तो ये आश्चर्य वाला शब्द है, इसी को हम क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके किसके भेद थे भैया, क्रिया विशेषण के। तो चलो एक तरफ से देख लो भैया, हमने क्या पढ़ाया है आज के दिन में आपको, अव्यय से शुरू किया है, आधान व्यय से बना है, आ का अर्थ नहीं, व्यय का अर्थ खर्च या परिवर्तन, जिन शब्दों पर लिंग का, वचन का, कारक का आदि व्याकरणिक कोटि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं, जैसे और, तथा, किंतु, की, अथवा, लेकिन आदि। दूसरे पॉइंट पे हमने आपको क्या बताया भाई, अव्यय के भेद, अव्यय को और किस नाम से जाना जाता है, अविकारी शब्द के नाम से। चार भेद होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं भैया, क्रिया विशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे बच्चे, क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा क्या है, संबंध बोधक है, तीसरा समुच्चय बोधक है, चौथा विस्मयादि बोधक है। तो हमने आगे आपको बताया क्रिया विशेषण, विशेषण का अर्थ होता है विशेषता, विशेषण पढ़ाते समय हमने आपको बताया है, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। गौरव यहाँ रहता है, तो यहाँ रहने की विशेषता बताई जा रही, कहाँ रह रहा है, यहाँ रह रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ऐसे हमने आपको चारों पार्टों को बांट के पढ़ा दिया है भाई। अब आपके पास बचता है अभ्यास प्रश्न, किसकी बात करते हैं हम, अभ्यास प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जरा ध्यान से देखेंगे और आंसर करना प्रारंभ करेंगे। हमें प्रतिदिन, यहाँ प्रतिदिन को अंडरलाइन किया गया है, किसको अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, किस शब्द को भैया, तो आप बताएंगे प्रतिदिन को। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो यहाँ भैया ये उपसर्ग है प्रतिदिन, अव्यय है, सर्वनाम है या कारक है, तो जल्दी से बताएंगे हमारे बच्चे। ये सर्वनाम तो है नहीं भाई, सर्वनाम के अंतर्गत आपका क्या आता है, मैं आता है, तू आता है, यह आता है, वह आता है, कोई आता है, कुछ आता है, कोई आता है, कुछ आता है, कौन आता है, क्या आता है,
कौन, क्या, जो आता है शो आता है, जो आता है शो आता है और आप आता है। ये तो आपके सर्वनाम थे। कारक के आठ भेद होते हैं, तो कारक के आठ भेद होते हैं, तो कर्ता कर्म करण संप्रदान इसमें से कुछ है नहीं। उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व में जुड़ के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। लेकिन ये जो प्रतिदिन लिखा गया है इसमें ना तो लिंग का प्रभाव पड़ेगा, किसका प्रभाव पड़ेगा मेरे बच्चे, लिंग का, ना ही वचन का प्रभाव पड़ेगा, ना ही कारक का प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी का प्रभाव इसमें से नहीं पड़ रहा तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, या तो उसी को हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो यहाँ कौन सा शब्द भैया, ये आपका क्या है, अव्यय है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और ध्यान से इन क्वेश्चनों को करिएगा। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। शब ने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, शब ने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। अब जल्दी से आपको बताओ भैया, यहाँ पे बताओ, ये विस्मयाद बोधक अव्यय है लेकिन जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो विस्मयाद बोधक अव्यय नहीं है। क्या क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो मेरे दोस्त आपको ये भी अलग कर देना है, क्रिया की विशेषता भी नहीं बता रहा है। अब आपके पास दो पॉइंट बचे, एक संबंध है दूसरा समुच्चय है। हमने आपको संबंध में वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध की बात की थी, लेकिन समुच्चय में हमने किसकी बात की थी आपसे, समुच्चय में दो वाक्यों को या शब्दांशों को या शब्दों को जोड़ते हैं। तो यहाँ भैया दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, तो किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता है समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है भाई, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होता है, तो ए सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, किसकी बात कर रहा है, लिंग की बात कर रहा है, वचन की बात कर रहा है, कारक की बात कर रहा है, लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, वह क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है, वचन कहलाता है, अव्यय कहलाता है या वाच्य कहलाता है। तो मेरे बच्चे वाच्य किसे कहते हैं, क्रिया के रूपांतर को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई, क्रिया के रूपांतर को वाच्य कहते हैं, क्रिया के रूपांतर को वाच्य कहते हैं। ये वाच्य कितने प्रकार का होता है, तो मेरे बच्चे तीन प्रकार का होता है, एक कर्तृवाच्य होता है, दूसरा कर्मवाच्य होता है, तीसरा भाववाच्य होता है। अब यहां कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, और भाववाच्य में ना तो कर्ता प्रधान होता है ना कर्म प्रधान होता है। क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य का होना पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, होना पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। वचन किसे कहते हैं, वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। वचन कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपको पढ़ाया है, एक वचन और बहुवचन, हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन शब्दों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा, तो आपका तीन का, प्रश्न नंबर तीन का सी विकल्प राइट आंसर है। कौन सा आंसर सही है भैया, प्रश्न नंबर तीन का सी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट प्रश्न को जरा ध्यान से देखो भाई, कह रहा है वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, अचानक बोल पड़ा एक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, क्या ये परिमाण बता रहा है, क्या ये स्थान बता रहा है, क्या ये रीति है, क्या ये काल है। तो जल्दी से मेरे बच्चे बताएंगे ये अचानक किस क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, तेजी से आंसर करके बताएंगे, अचानक किस क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा।
अचानक, एक ना तो कालवाचक है भैया, ना तो स्थानवाचक है, ना तो परिमाणवाचक है। ये है क्या? ये परंपरा है या रीति है? इसे हम क्या कहेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। कौन सा विशेषण कहेंगे मेरे बच्चे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, आप यहीं आइए अन्यत्र ना जाइए, इस वाक्य में अन्यत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? जल्दी से बताओ भाई, अन्यत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तेजी से हमारे बच्चे आंसर करके बताएंगे। अन्यत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये परिमाण की बात कर रहा है, रीत की बात कर रहा है, स्थान की बात कर रहा है या काल की बात कर रहा है? अन्यत्र, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह ना जाइए, तो दूसरी जगह ना जाइए तो भाई किसकी बात कर रहा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। सी विकल्प आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पर, वह साल भर अनुपस्थित रहा, कि कब तक अनुपस्थित रहा भाई? साल भर, साल भर मतलब वर्ष की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वर्ष की बात कर रहा है। तो वर्ष की बात कर रहा है तो समय का बोध कराएगा, समय का बोध कराएगा तो इस समय क्या होता है? काल होता है। समय का ही दूसरा नाम क्या होता है? काल होता है। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण हो जाएगा मेरे बच्चे? तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ परिमाण नहीं है, यहाँ रीति नहीं है, यहाँ स्थान नहीं है, तो यहाँ साल भर की बात कर रहा है, तो साल भर क्या है? वर्ष है। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं? तो भैया जल्दी से बताओ, मन के जो भाव, मनोभाव का मतलब मन का भाव, जो मन के भाव हैं उन्हें सूचित करने के लिए, मन के भाव में आपका हर्ष भी आता है, आश्चर्य भी आता है, शोक भी आता है, घृणा भी आता है, लज्जा भी आती है और ग्लान भी आती है। तो भैया ये मन के विकार हैं। किसके विकार हैं? ये मन के विकार हैं, मन के भाव हैं। इनको उद्देश्य बोधक कहते हैं क्या? तो मेरे बच्चे इसको उद्देश्य बोधक कहते हैं क्या? नहीं भाई, इसे हेतु, हेतु का अर्थ होता है साधन। हेतु का क्या अर्थ होता है मेरे बच्चे? तो आप याद रखिएगा, हेतु का अर्थ होता है साधन। क्या ये साधन के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं? क्या ये समुच्चय के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं? नहीं भाई, ये तो विस्मयादि बोधक है, ये विस्मय आदि है। तो सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर होगा मेरे बच्चे? तो सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है भाई, देखो, अरे, हैं, ए, ओ इत्यादि इसमें किस प्रकार के अव्यय हैं? हमको जल्दी से बताओ भाई, अरे, हैं, ए, ओ इत्यादि इसमें किस प्रकार के अव्यय हैं? ये प्रशंसा बोधक हैं, ये शोक बोधक हैं, ये हर्ष बोधक हैं, ये आश्चर्य बोधक हैं। जल्दी से बताओ भाई, इन शब्दों से क्या हो रहा है? आश्चर्य की बात आ रही है या हर्ष की बात या शोक की या प्रशंसा की? देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे किन बच्चों का सही आंसर आता है। प्रशंसा बोधक है, शोक बोधक है, हर्ष बोधक है, आश्चर्य बोधक है। मेरे बच्चे यहां अरे की बात कर रहा है तो आश्चर्य की बात है। किसकी बात है? आश्चर्य की बात है। तो डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प भाई? डी विकल्प। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? ए अविकारी होते हैं, ए विकारी होते हैं, ए विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत हो गया। इनमें परिवर्तन नहीं होता तो विकारी नहीं होंगे। अब मेरे बच्चे विकारी के अंतर्गत आता क्या क्या है?
विकारी शब्द के अंतर्गत आता क्या क्या है? तो आप बताएंगे विकारी के अंतर्गत संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, क्रिया आती है, और क्या आता है? तो आप बताएंगे विशेषण आता है। ये चार आपके कैसे हैं? विकारी शब्द हैं। और अगर अविकारी की बात करते हैं, अविकारी में कौन कौन से शब्द आते हैं? अविकारी का मतलब ही होता है अव्यय। क्या होता है? अव्यय। इसके अंतर्गत आपका क्या आता है मेरे बच्चे? तो आप बताएंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और विस्मय आदि बोधक। ये चार किसके अंतर्गत आते हैं भैया? तो आपको पता है भैया ये चार आपके अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द में कितने होते हैं? तो इसमें भी चार होते हैं। ये कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया, क्रिया के साथ साथ विशेषण है भैया। तो यहाँ पे ये आपका पॉइंट था भैया, संज्ञा भी परिवर्तित होता है, सर्वनाम भी, क्रिया भी और विशेषण भी। लेकिन क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है। यहाँ पे इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? काल की बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है, तो इसमें समय का बोध कौन सा शब्द करा रहा है? इधर उधर, तब, दूर, यहां। तो भैया जल्दी से बताओ इसमें से समय का बोध कब कौन सा करा रहा है? इधर उधर ये किसका बोध करा रहा है मेरे बच्चे? तो आपको पता है या स्थान का बोध करा रहा है। तो किस विशेषण के अंतर्गत? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूर और पास ये भी क्या है भाई? आपके स्थानवाचक है। और यहाँ की बात तो यहाँ आपको पहले भी बता चुका हूँ भैया, ये क्या है? स्थानवाचक है। तो तीन तो आपके स्थानवाचक के ही यहाँ हैं। तो यहाँ भैया क्या मिल जाएगा? तब, जब, तब, हमेशा, तत्काल, निरंतर, तभी। अगर इस तरह के शब्द होंगे तो क्या कहलाएंगे आपके? कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन से क्रिया विशेषण मेरे बच्चे? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही है? तो आप बताएंगे वी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प मेरे दोस्त? तो वी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अव्यय को क्या कहा जाता है? अव्यय को विकारी कहा जाता है, अविकारी कहा जाता है, निपात कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। तो भैया विकारी तो वो शब्द होते हैं जिसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। तो भैया अव्यय में तो परिवर्तन होता नहीं है। अविकारी वे शब्द हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। तो मेरे दोस्त तो यहां आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो भैया अविकारी शब्द हो जाएगा। कौन सा विकल्प? अविकारी, ए वी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? स्थितिवाचक की बात कर रहा है जिसमें स्थिति दर्शाई गई हो, यहां, वहां, जहां, बाहर। स्थिति की बात कर रहा है, स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? जरा ध्यान से देख के बताएं, स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? यहां, वहां, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चे
यहां भी आपका स्थितिवाचक है, वहां भी है, जहां भी है, बाहर भी है। ये चार के चारों शब्द आपके क्या हैं? स्थितिवाचक अव्यय हैं। यहां भी है, वहां भी है, जहां भी है, बाहर भी है, भीतर भी होगा, कहां भी होगा, ये स्थितिवाचक का बोध कराते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है संबंध सूचक अव्यय। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, उसने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ, मैं घर जा रहा हूं ताकि वहां आराम कर सकूं, उपरोक्त सभी। तो हमने आपको बताया था बेटा किसके बिना? धन के बिना। तो संबंध दर्शा रहा है, बाकी इसलिए और ताकि ये कैसे हैं? तब बताएंगे समुच्चय बोधक है, ये संबंध बोधक नहीं है। ये क्या है भैया? आप बताएंगे समुच्चय बोधक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो यहां कौन सा राइट आंसर होगा? ए विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा आंसर भैया? तो ए विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इनमें से विस्मयाद बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? वहां है, धन्य धन्य है, यहां वहां है, जहां जहां है। विस्मयादि बोधक अव्यय की बात कर रहा है, जिसमें विस्मय आदि होता है। विस्मय के अंतर्गत हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा, लज्जा आदि के भाव प्रकट होते हैं। तो भैया यहां वहां होगा, धन्य धन्य होगा, यहां वहां होगा, जहां जहां होगा, किसमें है? तेजी से आंसर करके बताएं, तेजी से आंसर करके हमारे बच्चे बताएंगे। तो यहां देखो भैया, वहां होगा नहीं, यहां वहां है नहीं, जहां जहां होगा नहीं। धन्य धन्य, धन्य हो भाई, धन्य हो भाई बोलते हो ना, ये धन्य धन्य आपका क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां दिया गया है वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। तो यहां जल्दी से बताओ, वह है, काम है, नहीं है, करता है, इसमें से कौन सा अव्यय पद है? तो जल्दी से बताओ भाई। भाई वह तो आपका सर्वनाम है, काम आपका क्या है? कर्म है, करना क्या है? क्रिया है। तो यहां बचा क्या? यही नहीं है बेटा, नहीं शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस पे लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो नहीं आपका क्या हो जाएगा? अव्यय है। क्या है भैया? अव्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है भाई। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही, आज दिन भर वर्षा होती रही, क्रिया विशेषण अव्यय है यहां, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, या विस्मयादि बोधक अव्यय है? मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से इस प्रश्न का आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद है। सही अव्यय का कौन सा भेद है? तो यहां ये देखो भैया, कब हो रही है? दिन भर होती रही। किसका बोध करा रहा है? समय का बोध करा रहा है। समय किस में आता है? तो आपको पता है क्रिया विशेषण में आता है। तो ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प? ए विकल्प। अगला प्रश्न, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा उदाहरण है? धावक तेज गति से दौड़ता है, तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा उदाहरण होगा?
जल्दी से बताओ भैया। तेज गति ये स्थान का बोध करा रहा है क्या? नहीं भाई। एक काल का बोध करा रहा है, ये रीति का बोध करा रहा है या परिमाण का बोध करा रहा है? तो मेरे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। धावक तेज गति से दौड़ता है, कैसे दौड़ता है भाई? तो तेज गति से दौड़ रहा है। परिमाण में आपके क्या होते हैं, नाप तौल होते हैं, क्या होते हैं भैया? परिमाण में आपके नापने और तौलने की बात की जाती है, तो गति की बात की गई है, तो यहाँ विकल्प आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। यहाँ देख के बताओ भाई, मैं रोज पढ़ता हूँ ये स्थान की बात कर रहा है, रीत की बात कर रहा है, काल की बात कर रहा है या परिमाण की बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है, जरा ध्यान से देखेंगे और आंसर करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है बच्चों, जरा ध्यान से देख के इसका आंसर करेंगे। रोज की बात कर रहा है, तो भैया रोज किसकी बात कर रहा है? समय की बात कर रहा है। तो समय अगर आ रहा है तो समय किस में आता है? हमने आपको बताया कालवाचक क्रिया विशेषण में आता है। किस में आता है मेरे बच्चे? कालवाचक क्रिया विशेषण, सी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? जल्दी से आंसर करके बताओ भाई, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, दो भेद होते हैं या सात भेद होते हैं? जल्दी से आंसर करेंगे, तेजी के साथ हमारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? मेरे प्यारे बच्चे, क्रिया विशेषण के चार भेद, तीन भेद, दो भेद या सात भेद, कितने भेद होते हैं? तेजी से आंसर करके बताओ, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो हमारे बच्चों का यहाँ आंसर जो आना चाहिए वो चार आना चाहिए और आ भी रहा है मेरे बच्चों का। कितना भेद भैया? चार भेद, ए विकल्प आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? भाई माँ सुबह नाश्ता बनाती है, माँ कब नाश्ता बनाती है? तो सुबह की बात कर रहा है, तो सुबह मतलब प्रातः काल। कब भैया? सवेरे सवेरे जिसको कहते हो। ते स्थान है क्या? नहीं है भाई। परिमाण है क्या? नहीं। रीति है क्या? नहीं। ये तो समय का बोध करा रहा है भाई। तो क्या हो जाएगा आपका? कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा विशेषण भाई? कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मेरे बच्चे, रात को अचानक वर्षा होने लगी। भाई यहाँ देखो, कब हो रही है? अचानक वर्षा होने लगी, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद होगा? अचानक दे दे, सहसा दे दे, एकाएक दे दे, तो इसमें कौन सा भेद होता है? जल्दी से बताओ भाई। अचानक, सहसा, एकाएक, अगर ये भेद दे दे तो इसमें कौन सा भेद होता है? पहला प्रश्न इसी तरह का सेम कराया था। पहला प्रश्न सेम यही था भाई, अचानक। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक प्रश्न आपने देख लिया है, अचानक में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद होगा? अचानक वर्षा होने लगी, ये परिमाण है, स्थान है, काल है या रीति है? तो यहाँ आपका काल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया रूप कहते हैं, क्रिया भेद कहते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं। देखते हैं किस बच्चे का सही आंसर आता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे? तो विशेषण, विशेषण का अर्थ ही होता है विशेषता। क्या होता है मेरे बच्चे? विशेषता। किसकी विशेषता? क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ए विकल्प आपका राइट आंसर। कौन सा विकल्प मेरे बच्चे? ए विकल्प आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है?
तो जल्दी से बताओ, प्रश्न नंबर 24 है आपका। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? आज तक, बहुधा, बाहर भीतर या प्रतिवर्ष? तो भैया बहुधा, अचानक, एकाएक, सहसा, आज तक, प्रतिवर्ष, ये सब के सब कालवाचक हैं, लेकिन बाहर और भीतर एक ऐसा है आपका स्थानवाचक है। क्या है मेरे बच्चे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा? आप बताएंगे सी विकल्प। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो भैया जल्दी से बताओ, क्रिया विशेषण के हमने आपको चार भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं? चार भेद बताए हैं। यहाँ पूछ रहा कौन सा भेद नहीं है, क्या परिमाणवाचक नहीं है? भाई परिमाणवाचक क्रिया विशेषण तो आपका होता है। क्या रीतिवाचक है, क्या स्थानवाचक है या जातिवाचक है? तो यहाँ पे मेरे बच्चे जातिवाचक आपके किसका भेद होता है? तो आप याद रखिएगा, संज्ञा का भेद होता है। किसका भेद होता है मेरे बच्चे? जातिवाचक आपका संज्ञा का भेद होता है। किसका भेद होता है? संज्ञा का भेद है। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका भैया? तो बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प मेरे दोस्त? बी विकल्प आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बारिश बहुत ज्यादा हो रही, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? आपको जल्दी से बताना है, ज्यादा शब्द क्या है? ये संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है? तो तेजी से बताओ, ज्यादा शब्द क्या है? ज्यादा शब्द क्या है? तो आप इसे बताओ कि भैया ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है भाई। डी विकल्प आपका राइट आंसर। कौन सा विकल्प? डी विकल्प। अगला प्रश्न, ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ईश्वर सर्वव्यापक है, कालवाचक का है, रीतिवाचक का है, परिमाणवाचक का है या स्थानवाचक का है? जरा ध्यान से आंसर करिएगा, गलती होने की संभावना यहां प्रबल होगी। ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तेजी से आंसर करके हमारे बच्चे बताएंगे। यहां देखो भैया, काल समय तो है नहीं सर्वव्यापक, सभी जगह व्याप्त है, तो क्या हो जाएगा आपका? स्थानवाचक। कैसा हो जाएगा भाई? स्थानवाचक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर, डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, कितनी देर में आएंगे? तो यहाँ किसकी बात कर रहा है भाई? समय की बात कर रहा है, तो समय की बात करेगा तो कौन सा क्रिया विशेषण? आपका आंसर होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मेरे बच्चे, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, कितनी भैया? थोड़ी सी। अभी क्या है ये, स्थान की बात कर रहा है? नहीं भाई, ये परिमाण की बात कर रहा है, काल की बात कर रहा है, रीत परंपरा तो है नहीं, काल समय है नहीं भाई, तो यहाँ किसकी बात कर रहा है? परिमाण की बात कर रहा है, नाप तौल वाली चीज है भैया। तो आपका बी विकल्प राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प मेरे दोस्त? बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखें, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हो रहा है? आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो? तो भैया जल्दी से बताओ, यहाँ स्थान की बात कर रहा है कि रीत की बात कर रहा है, काल की बात कर रहा है या परिमाण की बात कर रहा है? हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो। एक कैसा क्रिया विशेषण है मेरे बच्चे? तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक, बाकी आपको इसी तरह से क्लास मिल जाएगी। अगर लाइव नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, आपका जो भी
क्वेरी होगी, जो भी क्वेश्चन होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई हम वहाँ पे दे देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।